ओके तो बहुत टाइम बाद एक कॉन्सेप्ट अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो जो स्पेशल थैंक्स जो भी है निशान ब्रो को जाता है। तो चलिए पहला जो इसका यूनिक एबिलिटीज़ है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट में है पावर ऑफ डिविनिटी। इसमें है कि जब जो शैडो पाँच कॉम्बो अटैक परफॉर्म कर देगा तो उसके बाद वो एक शील्ड गेन कर लेगा अपने ऊपर जो उसको अटैक्स अपोनेंट के अटैक से बचाएगा। फिर एक और है एनर्जी कोर। इसमें है कि जब शैडो फॉर्म में इंटर कर जाएगा उसके बाद वो उसके पास बहुत सारा डिफरेंट टाइप का वेपन आ जाएगा और वो उसको यूज़ कर सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा वेपन यूज़ करेगा। तो उसका जो मूव्स है उससे पहले बताता हूँ कि जो उसका रेयरिटी है वो लेजेंडरी होगा, फिर डिफ़िकल्टी नॉर्मल और फैक्शन नहीं। फिर उसके बाद देखते हैं जो स्पेशल अटैक के बारे में शैडो फॉर्म में, तो स्पेशल अटैक होगा जायंट शॉट से बट कन्फर्म नहीं है। तो स्पिनिंग अटैक होगा इससे, तो ये है हो सकता है। फिर जो अपर अटैक है इसको चुनना पड़ेगा अपर अटैक को टैलेंट में, और फिर ये डाउन, ठीक है, उसके बाद ये हैवी अटैक। ओके तो चलिए अब टैलेंट्स को देख लेते हैं। तो लेवल टू पर देख लेते हैं। फर्स्ट में स्नैक बाइट। इसमें है कि जो राउंड का सबसे फर्स्ट 5 सेकेंड होगा उसमें अगर वो सक्सेसफुल अटैक परफॉर्म कर देता है तो एक्स्ट्रा 100% डैमेज देगा। फिर ऑप्शन में फीट पावर है। इसमें है कि शैडो का फ्लाइंग किक जो है ना अपोनेंट को ग्राउंड पर गिरा देगा। तो लेवल 4 का जो टैलेंट्स है उससे पहले एक बात की, पहले जो यूनिक एबिलिटीज के हिसाब से वो क्या था कि शैडो फॉर्म में जाते ही शील्ड लॉस कर देगा, लेकिन इस टैलेंट से वो शैडो फॉर्म में जाने के बाद शील्ड को बचा लेगा, लॉस नहीं करेगा। फिर ऑप्शन में इंक्रीज टॉलरेंसी जो भी है, इसमें कि जो उसका अटैक लेता था शील्ड से वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा बस। लेवल 6 पर फर्स्ट में है द पेनफुल पीएसएस। इसमें है कि शैडो फॉर्म में अपर अटैक यूज़ कर सकता है साय वेपन का। फिर ऑप्शन में है कंप्लीट शील्डिंग। इसमें है कि जब शैडो का जो शील्ड है वो ऑन रहेगा तो वो निगेटिव इफेक्ट से इम्यून रहेगा शैडो। सो लेवल 8 पर फर्स्ट में फ्री विल। इसमें है कि जो शैडो है जब शैडो फॉर्म में एंटर करेगा या फिर वहाँ से बाहर आएगा तो कुछ भी हो वो निगेटिव इफेक्ट से इंडिपेंडेंट होके आएगा। फिर ऑप्शन में एक और है शैडो मास्टर। इसमें है कि जब शैडो 30% हेल्थ के नीचे जाएगा उसके बाद वो परमानेंटली शैडो फॉर्म में रहेगा, यानी कि वो सारा अपना वेपन यूज़ कर सकता है। तो लेवल 10 पर है अपग्रेडेड जो भी है शील्ड। इसमें है कि जो शील्ड है शैडो का वो हर टाइप का डैमेज को एब्जॉर्ब कर पाएगा। फिर ऑप्शन में है लिविंग लेजेंड। इसमें है कि जब अपोनेंट जो शैडो का शील्ड है उसको ब्रेक करता है तो क्या होगा कि अपोनेंट थोड़ा सा पीछे की तरफ भाग जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये शैडो का कॉन्सेप्ट था, और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलेंगे या फिर कुछ लीक्स आएगा तो मैं आपको बता दूंगा।